Yeah, hi, my name is Prithvi Gidwani and I am a tax consultant in one of the reputed Ahmedabad-based firms, Legal Sahayata. We also have our website legalsahayata.com. You can avail our services like tax compliances such as indirect tax compliances, direct tax compliances for any documentation related to export or import like A. D. Code registration, Port Code registration. We also provide various services, M. C. A. related services we also provide, that also you can avail. Right. So today we will discuss about the topic refunds, that what is refund, right? अभी इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है that has been divided into two parts, direct tax and indirect tax. Direct tax are those taxes which is known as income tax, right? जो direct जो आपका profit margin होता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, that is known as direct tax. While indirect tax is GST. There were certain taxes previously before July 2017 like excise, customs, service tax that has been subsumed into one particular tax that is known as GST. Right. So, आज का topic we will start that आपने पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो सुना होगा, राइट? कि गवर्नमेंट को हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस करते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स है, जो भी पब्लिक एमेनिटीज है, वो सारी गवर्नमेंट बनाती है बाय कलेक्टिंग द टैक्सेस, राइट? बट इसका एक चीज़ है रिवर्सल ऑफ टैक्सेस दैट इज नोन एज रिफंड्स, राइट? कभी रिफंड सुना है कि गवर्नमेंट हमको रिफंड दे, वॉट एवर टैक्सेस वी हैव पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस द रिफंड. तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, राइट? अब रिफंड्स जैसे आपने इनकम टैक्स में तो सुना होगा कि आपको रिफंड मिल जाता है, बट राइट नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी में कैसे अपन को रिफंड मिलता है. सो एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न रिफंड्स, राइट? तो हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं वो हमको रिफंड मिलता है. इन जीएसटी देयर आर 12 काइंड्स ऑफ रिफंड. अलग अलग टाइप के रिफंड्स है. आप बोलेंगे कौन से टाइप के, तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑन ईच टॉपिक. हम लोग अलग अलग वीडियोस पे वो चीज का डिस्कशन करेंगे, बट आज हमारा मेन टॉपिक है रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स, कि जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं उस पे आपको रिफंड्स कैसे मिलता है और कौन से टाइप के रिफंड्स होते हैं. तो जीएसटी में टोटल 12 टाइप्स के रिफंड्स है. एग्जाम्पल आई विल से एक्सेस कैश लेजर. अगर आपके कैश लेजर में एक्सेस पैसा है, यू कैन क्लेम द रिफंड फॉर इट, राइट? द सेकेंड वन इज रिफंड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. अगर आपका सेल्स पे जीएसटी रेट कम है और अगर परचेज पे आपका जीएसटी रेट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है यू कैन डेफिनेटली क्लेम एज रिफंड, राइट? थर्ड थिंग इज रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट जीरो रेटेड सप्लाईज, कि जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है. So, सबसे पहले मैं बेसिक चीज आपको बताऊंगा कि सेल्स. हम लोग जो भी चीज बेचते हैं, राइट? तो हर कंट्री में सेल्स में दो प्रकार होते हैं, राइट? The first thing is domestic sales and the second one is exports. डोमेस्टिक सेल तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुड्स विच आर सोल्ड विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक सेल. एक कंट्री के अंदर आप सेल करोगे दैट इज नोन एज, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही जो सेल हो रहा है दैट इज नोन एज डोमेस्टिक सेल्स, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स मीन्स टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स लेके जाओ, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट्स, राइट? सो इन द लैंग्वेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी की लैंग्वेज में एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। अब आप कहेंगे कि सर निल रेटेड सप्लाईज भी होता है, जीरो रेटेड सप्लाईज भी होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी होता है, सारे सप्लाईज। सो वन बाय वन हम लोग एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सप्लाईज तरह तरह के कौन से होते हैं और क्या होते हैं, राइट। बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न वी विल डिस्कस के एक्सपोर्ट्स को कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज, राइट। द जीरो रेटेड सप्लाईज आर नोन एज एक्सपोर्ट्स। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट्स पे हमको रिफंड मिलेगा। अब ये एक पॉइंट है कि हमको रिफंड क्यों मिलेगा, राइट। ऐसी तो क्या चीज है जो सरकार हमको एक्सपोर्ट करने पे रिफंड देती है। सो देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स कि हमें रिफंड मिलता है। फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप लोग फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हो तो आप लोग इंडियन इकोनॉमी को बहुत बेटर बना रहे हो, राइट। सो दैट इज वन रीजन के फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आ रही है तो एक बहुत इकोनॉमी को बड़ा सा फायदा है, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग अस द रिफंड्स, राइट। सेकेंड एक रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहां से हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर यदि यहां हम लोग कुछ टैक्स जोड़ेंगे फिर वो कंट्री में जब माल जाएगा तो वहां इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा और वहां का जो वैट है वो लगेगा, राइट। तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि एक कंट्री में टैक्स नहीं हो रहा, वो डबल कंट्री में टैक्स हो रहा है, तो वो चीज गलत हो जाएगी, राइट। सो जो भी अंडरस्टैंडिंग दो कंट्रीज के बीच में है कि यहां टैक्स चार्ज होगा तो यहां प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। सो दीज आर द टू मेजर रीजंस व्हाई रिफंड इज बीइंग अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक, करेक्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट्स, राइट। हियर वी विल अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे हम लोगों को रिफंड मिलेगा, राइट। अब एक्सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट्स का सबसे पहले बेसिक मीनिंग है कि सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री टू अनदर पर्टिकुलर कंट्री, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्री, राइट, इज नोन एज एक्सपोर्ट्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल लेके जाओ उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आप बोलोगे कि यार ये दो ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट मतलब जो माल हम लोग यहां से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे, उस पर गवर्नमेंट ने दो ऑप्शंस दिए हैं कि उस पर आप टैक्स IGST चार्ज करो या मत करो। अगर आप कर रहे हो, राइट, तो जो आपने टैक्स चार्ज किया है वो आपको पूरा पूरा रिफंड मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, जो परचेज पे आपने टैक्स पे किया है वो आपको पूरा पूरा रिफंड मिल जाएगा। आई विल हेल्प यू आउट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कैसा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल अब हम समझ रहे हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स। से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज के गुड्स एक्सपोर्ट किए, इस पे आप चार्ज कर रहे हैं 12% GST, राइट। अब सपोज आपको ये 12% गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, 100 रुपीज के गुड्स आपने फॉर एग्जाम्पल परचेज किए थे 60 प्लस 8 रुपीज टैक्स, तो जो परचेज पे आपने टैक्स पे किया है वो आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। तो ये 12% मतलब 100 पे 12% मतलब 12 रुपए, तो ये 12 रुपए जमा कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द हेल्प ऑफ 8 रुपीज ITC, आपने जो ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, तो 12 में से 8 चले जाएगा, तो बाकी डिफरेंशियल अमाउंट आपको भरना है 4। अब 4 रुपीज आप कैसे भरेंगे आप पे डिपेंड है। अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड ITC है तो आप ऐसे भर सकते हैं, अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड ITC नहीं है तो आपको कैश में भरना पड़ेगा। बट ये बात श्योर है कि जो 12% है वो पूरा पूरा आपको रिफंड आ जाएगा, राइट। अब ये चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, शिपिंग बिल इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड। फाइलिंग शिपिंग बिल प्रिसाइसली, काफी सारे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग कमर्शियल इनवॉइस के बेसिस पे क्लाइंट्स का शिपिंग बिल को कंसीडर नहीं करते, कमर्शियल शिपिंग बिल के बेस पे वो लोग GST रिटर्न फाइल करते हैं और कहते हैं कि अटक जाएगा हमारा रिफंड, राइट। बट दैट शुड नॉट बी द केस। इसमें भी कुछ टेक्निक्स है, इसमें भी कुछ प्रोफेशनलिज्म है कि क्या क्या आपको चीज़ें कंसीडर करनी है। आपका AD कोड रजिस्टर होना चाहिए, आपका IFSC कोड रजिस्टर होना चाहिए, आपका एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट EGM आपका फाइल होना चाहिए, तो ही आपका रिफंड आएगा। बट ओवर एंड अबाउट दिस थिंग्स पहला प्री कंडीशन है कि आपका जो GST रिटर्न है वो प्रॉपरली फाइल होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं आपको बता दूं कि दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज in getting refunds in case of exports with payment of tax, they can definitely contact to us on the given number 800002825, right? You can definitely contact us on the given number. We will definitely make the amendment. हम लोग उसको amend करके जो भी perfect जैसा उसको treatment देना चाहिए we will give the treatment and we will help you in getting your GST refund, correct? So first thing is कि आपने ये 4 रुपए जैसे आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, राइट। चलो मैं आपको वापस बताता हूँ। एक्सपोर्ट पे 100 रुपीज पे 12% आपने GST चार्ज किया, राइट। परचेज आपने किया 60 रुपीज में, जिसपे आपने 8 रुपीज पे कर दिया। जो आप परचेज पे टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो ये 12 रुपए पे करने के चक्कर में आपने 8 रुपीज आपने ITC उसको अब्जॉर्ब किया, तो डिफरेंस अमाउंट जो आपको पे करने का रहेगा दैट इज 4 रुपीज। जैसे ही आप 4 रुपीज पे करोगे यू विल गेट अ फुल रिफंड ऑफ 12%। जो भी एक्सपोर्ट पे आपने रेट टैक्स रेट जो चार्ज किया है वो पूरा पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। तो ये हुआ 1 लाख एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि शिपिंग बिल इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द रिफंड। बस हमको कंफर्मेशन ये रखना है कि शिपिंग बिल जो है वो प्रिसाइसली फाइल होना चाहिए। क्या क्या कंसीडरेशंस हैं वो चीज़ों को कंसीडर करके ही हमें शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा। और बाकी की जो पॉइंट्स है, AD कोड रजिस्टर होना चाहिए, IFSC कोड रजिस्टर होना चाहिए, EGM फाइल होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स का कंसीडरेशन हमें करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज फर्स्ट लेग फॉर एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। Now again we will come on exports without payment of tax. What is exports without payment of tax? एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने अपने को यह दिया है कि आप एक्सपोर्ट पे कुछ भी टैक्स चार्ज मत करो, राइट। तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। दैट फॉर्म इज नोन एज LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसे काफी सारे कंसल्टेंट्स शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लूट, राइट, LUT। तो ये LUT आपको GST पोर्टल पे जाके आपको फाइल करना पड़ेगा। इसमें आपको 2 विटनेसेस का नाम लगेगा, उनका एड्रेस लगेगा और उसी हिसाब से आप अपना LUT फाइल कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी फॉर फाइलिंग LUT यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, सर। सो LUT जैसे हम फाइल करेंगे तो एक्सपोर्ट्स पे अपने को कोई भी टैक्स ऐड करने की जरूर नहीं है, राइट। आउटवर्ड सप्लाईज माने एक्सपोर्ट्स पे आपको कोई भी टैक्स चार्ज करने की जरूर नहीं है। इनफैक्ट व्हाट इंसेंटिव द गवर्नमेंट हैज गिवन हियर टू अस के एक्सपोर्ट पे भले ही आप चार्ज नहीं कर रहे हो पर आपका जो परचेज है, राइट, और उसके रिलेटेड जो सर्विसेज है, राइट, उस पे जो आपने टैक्स भरा है, से फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोर्ट किया, समझो 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज एक्सपोर्ट किया, उसमें आपने टैक्स तो लगाया नहीं, 0% टैक्स है, राइट। अब वो 100 रुपए की आपने खरीदी की थी फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज पे, राइट, जो डोमेस्टिक गुड्स जिसपे आपने टैक्स भरा था 8 रुपीज, प्लस आपने इस पे 10 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिया जिसपे आपने टैक्स भरा था 2 रुपीज, राइट। सो टेक्निकल टर्म्स में परचेजेस विल बी नोन एज इनपुट्स, while services will be known as input services, right। तो जो purchase है और उसके related जो services है जिसपे आपने tax भरा है, तो वो दो tax आपको refund definitely मिल जाएगा, inputs, input services, right। इसमें एक exception ये है कि अपन को क्या नहीं मिलेगा, तो से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का मतलब यह हुआ कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग और टू प्रोवाइड सर्विसेज, द गुड्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल आपने एसी परचेज कर लिया ऑफिस के लिए, मशीनरी परचेज कर लिया, राइट, तो दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स पे आपका जो भी आपने टैक्स भरा होगा वो आपको एलयूटी के केस में रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी कैन ब्रीफ ओवर हियर इज एक्सपोर्ट्स एलयूटी, राइट। एक्सपोर्ट्स अगर आप एलयूटी पे कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो उस पे आपको एक्सपोर्ट्स पे कोई परसेंटेज का टैक्स भरने की जरूर नहीं है। बट जो परचेजेस कर रहे हो वो 3 तरह की होती है, इनपुट्स के जो हमें माल चाहिए होता है हमारे बिजनेस के लिए, जो दूसरी चीज चाहिए होती है सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, CHA सर्विसेज, फ्रेट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का रिफंड हमें डेफिनेटली मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स का हमको रिफंड नहीं मिलेगा। दिस इज द मेन क्रक्स फॉर एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी। अब आप बोलेंगे सर आपने एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स को इतना सिंपल बताया कि यार शिपिंग बिल इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग रिफंड, अब आप बोल रहे हो इसमें इनपुट पर कैसे मिलेगा, इसमें तो हम शिपिंग बिल फाइल करेंगे तो एक्सपोर्ट पे तो कोई टैक्स है नहीं, राइट। सो ये बाइफर्केशन मुझे आपको बताना है कि रिफंड विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में कस्टम अथॉरिटी इज द अथॉरिटी विच प्रोवाइड्स अस द रिफंड। यहां हमें आइसगेट से रिफंड मिलेगा, while the second thing exports without payment of tax, यहां हमें रिफंड आइसगेट नहीं देगा बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट हमें रिफंड देगा। सो एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें कस्टम्स आइसगेट रिफंड देगा, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें जीएसटी डिपार्टमेंट रिफंड देगा। तो ये तो हमारा डिस्कस हो गया कि शिपिंग बिल इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड, राइट। तो ये जो चीज है जीएसटी डिपार्टमेंट, तो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हम रिफंड कैसे लें, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हम रिफंड कैसे लें, तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे RFD 01। जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया ना कि 12 तरह के रिफंड हैं, तो उसमें रिफंड्स में वन ऑफ द रिफंड इज दिस सप्लाईज मेंट अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमको RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन के साथ साथ हमें 10 डॉक्यूमेंट्स हमें साथ साथ में देने पड़ेंगे, Annexure B, GSTR 2A, GSTR 2B, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, EGM स्टेटस कि उसका EGM फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, शिपिंग बिल्स, EBRCs एक्सेट्रा, राइट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड के इफ यू वांट टू नो दैट हाउ द रिफंड हैज बीन फाइल्ड, यू कैन डेफिनेटली टेक अवर पेड सर्विसेज एंड यू कैन कॉल अस ऑन 800002825 और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट legalsahayata.com, right? We are providing the paid services for GST refunds. We will definitely help you out in that, right? तो RFD 01 एप्लीकेशन में अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव 10 से 11 ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करने पड़ेंगे, राइट? अब मैं आपको सिंपली ब्रीफ कर देता हूं कि एक तो शिपिंग बिल चाहिए होगा, सेकेंड थिंग चाहिए होगी EBRCs आपको अटैच करनी पड़ेगी. EBRCs का मतलब क्या होता है? EBRCs आर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि आप जो एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फॉरेन रेमिटेंस जो इंडिया में आता है तो बैंक्स गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट येस यू हैव रिसीव्ड द फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज अ सर्टिफिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर शिपमेंट, दैट इज नोन एज बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट. तो EBRCs आपकी DGFT वेबसाइट से भी निकल जाएगी. DGFT वेबसाइट अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर EBRCs, आपको वहां से मिल जाएगा. शिपिंग बिल्स तो बट ऑब्वियस है, जो आपका CHA है वो आपको शिपिंग बिल अपना दे देगा, राइट? थर्ड थिंग इज GSTR 2B और GSTR 2A. अब GST में आपको पता होगा कि जो भी हम लोग परचेस करते हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होके हमारे GSTR 2A में दिखता है. तो GSTR 2A और 2B में अंतर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मंथ पूरा हुआ, अक्टूबर मंथ पूरा हुआ, अगर कंसल्टेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स है, टैक्स प्रोफेशनल्स, अगर वो लोग अपना रिटर्न, अक्टूबर महीने का रिटर्न 11th of November के पहले फाइल कर देंगे तो द पर्टिकुलर क्लाइंट विल बी एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? और वो उसके 2B में दिख जाएगा कि यस उसने कंप्लायंसेस किया है, वो एलिजिबल है क्रेडिट लेने के लिए, उसके 2B में अपने को दिख जाएगा, राइट? 2A अगर 11th के बाद किया हो तो 2B में नहीं दिखेगा बट 2A में जरूर दिखेगा, right? So from 1st of January 2022 the GST law has restricted to take the refunds on the basis, sorry, to take the input tax credit on the basis of 2B. तो हमें 2B भी निकालना पड़ेगा, 2A भी निकालना पड़ेगा and we have to make a systematic bifurcation and ultimately we have to take the credit on the basis of 2B, right? So GSTR 2A ये 10 documents आपको GST refund के लिए देने होंगे. सो RFD 1 का रिफंड आपको कैसे मिलेगा और कौन सी फॉर्मूला के बेस पे मिलेगा, राइट? सो RFD 01 का एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम रिफंड. कि आप मैक्सिमम रिफंड कैसे ले सकते हैं, राइट? तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा कि यहां पे टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विच आर जीरो रेटेड, माने एक्सपोर्ट्स, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. आप इसको छोड़िए, मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूं, राइट? मल्टीप्लाई बाय नेट ITC, अब जैसे ही आप GST रिफंड का पोर्टल खोलेंगे और आप रिफंड एप्लीकेशन वहां पे डालेंगे तो वहां पे नेट ITC में आपको कुछ अमाउंट दिखेगा जो है आपका क्रेडिट. वो क्रेडिट आपको कैसे आता है? That particular credit comes to you from GSTR 3B. जो भी आप GSTR 3B में क्रेडिट क्लेम करते हैं वो पूरा एक्यूमुलेटेड होके नेट ITC में चले जाता है. तो नेट ITC इज दैट पर्टिकुलर फिगर विच इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड GSTR 3B ऑफ द इंडिविजुअल मंथ्स. ठीक है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड. फॉर एग्जाम्पल आपने समझो पूरे साल में 100 रुपए की सेल की है जिसमें से आपने 40 रुपए की एक्सपोर्ट सेल की है और बाकी 60 रुपीज की आपने डोमेस्टिक सेल की है, विद इन इंडिया सेल की है, राइट? सो यहां पे फॉर्मूला में ऊपर बोलता है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप प्रोपोर्शनेट करो। प्रोपोर्शनेट कैसे करो कि वो ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिविजुअल लाइन आइटम्स को पकड़ो कि यार जो एक्सपोर्ट किया है उसके पीछे कितना खर्चा हुआ है, वो हम लोग कभी सेग्रीगेट पॉसिबल नहीं होगा। सो एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है कि इस केस में 100 रुपए का टोटल टर्नओवर हुआ है जिसमें आपने 40 रुपीज का एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है और 60 रुपीज का आपने डोमेस्टिक। तो वो जो आईटीसी है उसमें आपको ऊपर न्यूमरेटर में लेना है एक्सपोर्ट टर्नओवर, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट जितना टर्नओवर है उसके रेशियो में हमको रिफंड क्लेम करना है, और जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो आप लोगे टोटल टर्नओवर। अब इसमें क्या होगा पता है, जो आईटीसी अपन ने पूरी क्लेम की है वो डिवाइड हो जाएगी, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी एक्सपोर्ट के 60, मतलब 100 में से 60, राइट। 60% एक्सपोर्ट सेल्स है तो 60%, मतलब समझो अगर फॉर एग्जांपल आईटीसी है हमारे पास 500 रुपीज की टोटल, तो 500 का 60% फॉर एग्जांपल 300 हो जाएगा। तो 300 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फिगर विच वी कैन क्लेम एज रिफंड। तो पूरा जो रिफंड है दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला के एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मींस टोटल टर्नओवर multiply by net input tax credit, and net input tax credit is the result of ITC claimed in GSTR 3B for individual months. Those individual months will get consolidated for a particular period and that will come in net ITC figure. So this is how I am making you clear about refunds. सो ये था अपना पूरा सेशन रिफंड्स के रिगार्डिंग, राइट। सो इसमें काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की या रिफंड्स रिलेटेड सर्विसेज की ज़रूरत पड़े तो यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू अस ऑन 8000028250 एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट legalsahayata.com. This is our website legalsahayata.com, right? We are a firm of professionals and we will help you out in taking the GST refunds with ease, right? And you can definitely contact us to 8000028250. So thank you so much for the session. Thank you.